जनपद शामली के कांधला कस्बे की मयूर मार्केट स्थित जनता रसोई और जहां पर कांधला निवासी मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति के द्वारा पिछले दो माह से लगातार जनता रसोई का संचालन किया जा रहा है। गरीब असहाय लोगों को निशुल्क भरपेट खाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके चलते आए दिन जनता रसोई पर सैकड़ों बूढ़े बच्चे महिलाएं पहुंचकर भरपेट खाना प्राप्त कर रहे हैं और गरीब असहाय लोग जनता रसोई का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में जनता रसोई के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम का कहना है कि जनता रसोई में गरीब असहाय लोगों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही जनता आश्रम बनाया जाएगा, इसमें गरीब असहाय बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। नाम सलीम है जी। अच्छा सलीम जी, ये क्या मामला चल रहा है, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है? ये जी तकरीबन डेढ़ महीने से चल रहा है और निःशुल्क चल रहा है जी। अच्छा, इसमें कोई किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा। क्या मकसद है आपका? बस मकसद ये है कि कोई भी आदमी भूखा न सोए जी। अच्छा, और तमन्ना भी यही है जी कि हमारे शहर के अंदर कुछ लोग मैंने ऐसे देखे थे जिसकी वजह से रसोई चालू करी। अच्छा अच्छा। और आने वाले टाइम में शहर को एक ऐसी सौगात दी जाएगी। मैंने एक मसला देखा है, आज एक व्यक्ति आया मेरे पास में और आकर के रोने लगा, अपने बच्चों की बात बताने लगा। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में एक जनता आश्रम भी बने जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति हमारे आए और उसमें आराम से रहें और खाना खाए, अपना जीवन व्यतीत करें। बस यही मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। अभी हमारे जनाब जी हैं, इनसे मिलते हैं। शामली से नासिर अली की रिपोर्ट।